हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज के वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ सैमसंग का स्मार्ट ओवन, जो कि 28 लीटर का है। तो आज के वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसका आपको कंप्लीट रिव्यू करके बताऊंगा और बताऊंगा कि मैंने इसको कहां से कितने प्राइस में परचेज़ किया, और साथ ही साथ बॉक्स के अंदर में आपको माइक्रोवेव के साथ साथ और क्या क्या प्रोडक्ट एसेसरीज दिया जाता है वो सारा कुछ आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का नया नया अनबॉक्सिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये माइक्रोवेव लेना होगा तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो का अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार के बॉक्स पैकिंग में ये माइक्रोवेव ओवन दिखाई देता है। आपको मैं इसका पूरा व्यू दिखा देता हूँ। तो आपको काफ़ी शानदार तरीका से आपको ये माइक्रोवेव ओवन पैक्ड होकर आया हुआ रहता है। और इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें इसका सारा डिटेल मेंशन है, जैसे कि 28 लीटर जिसका मॉडल नंबर है CE1041DSB2 इसका मॉडल नंबर है, और इसका MRP दिया गया है 16,550 रुपीज़ का, यानी कि 16,550 रुपये इसका MRP दिया गया है। और इसका मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है अक्टूबर 2020 का। और वहीं आप देख सकते हैं जो इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो है मेड इन मलेशिया का। तो ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार का ये पैकिंग दिखाई दे देता है और पैकिंग काफ़ी शानदार है। तो चलिए मैं अब इसको सिंपली ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन करने के लिए हमको एक नाइफ़ लेना है, और नाइफ़ को मैं यहाँ से कट आउट कर देता हूँ। तो हम अब इसको ओपन कर दिए हैं, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो सबसे पहला एसेसरीज़ आपको मिल जाता है, जो कि सबसे पहले में आपको मिलता है वो है इसका ग्लास, इसका राउंड ग्लास, जो कि हम इसको ओवन के अंदर में रखते हैं। तो आपको एक ग्लास मिल जाता है, और ग्लास का क्वालिटी काफ़ी तगड़ा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, एकदम ही मस्त क्वालिटी का आपको ये माइक्रोवेव ग्लास मिल जाता है। तो अभी हम ग्लास को रख देते हैं साइड में। अब मैं ये थर्माकोल का जो रैपर है उसको उठाता हूँ, और ये थर्माकोल का रैपर को हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो मेन यूनिट है, जो कि हमारा माइक्रोवेव है, आपको कुछ इस प्रकार के पैकिंग में दिखाई दे देता है, आप देख सकते हैं। तो आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसको मैं बॉक्स से बाहर निकालता हूँ, फिर आपको कम्प्लीट बताता हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों, ये रहा माइक्रोवेव, मैंने इसको बॉक्स से निकाल दिया है, और आपको इसका चारों तरफ का आपको दिखा देता हूँ चारों डायरेक्शन से, ये कि चारों डायरेक्शन से कैसे दिखता है। तो फ्रंट डायरेक्शन से आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, और यहाँ पे आपको वेंट्स मिल जाता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा गर्म हवा के लिए। और बैक साइड से आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है बैक साइड से। और अब हम उस तरफ से भी देख लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ इसका दिया गया है। और इस तरफ आपको वेंट्स नहीं मिलता, आपको पैक हुआ मिलता है। तो देख सकते हैं ये चारों तरफ से मैंने आपको इसको पूरे डायरेक्शन से दिखा दिया है। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको लगा दिया है ट्राईपॉड पे, और आप देख सकते हैं आपको ये कुछ इस प्रकार का पैकिंग होकर आया हुआ है। आगे में आपको पॉलीथीन लगा हुआ मिल जाता है, ताकि स्क्रैचेस ना आए इसके ऊपर। और इस तरफ का भी जो पैनल है वो लैमिनेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको इसमें यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाता है इंडिकेटर के लिए, जिसमें आपको जो भी मेन्यू सेलेक्ट करना है आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको मिल जाता है स्लिम फ्राई, तो इसमें आपको स्लिम फ्राई का टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जिससे काफ़ी फास्ट कुक हो जाता है। उसके बाद रोटी नान, आप इसमें रोटी भी बना सकते हैं, नान भी बना सकते हैं, और तंदूरी भी बना सकते हैं।
उसके बाद आपको मिल जाता है कर्ड और डो प्रूफ का, इसमें आप कर्ड को भी जमा सकते हैं यानी कि दही वगैरह सब कुछ जमा सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है पावर डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन, कॉम्बी, इंडियन रेसिपी और कन्वेंशन ग्रिल माइक्रोवेव, इसमें आपको तीनों का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑल इन वन माइक्रोवेव है, इसमें आप कन्वेंशन भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। कन्वेंशन में आप बेकिंग टाइप का प्रोडक्ट जो फूड है उसको बना सकते हैं, ग्रिल में आप जैसे कि तंदूरी नान है ना इस टाइप का, मतलब ग्रिल जिसमें आपको ग्रिल टाइप का कोई भी आपको फूड बनाना है वो बना सकते हैं। माइक्रोवेव हैज इज वेल, आपको गरम वरम करना है कुछ भी करना है वो चीज़ कर सकते हैं आप इसमें। उसके बाद है ऑन ऑफ़, देख सकते हैं आप टर्नेबल ऑन ऑफ, जो इसके अंदर में ये रोलर, अंदर में एक रोलर रहता है जैसे कि ये घूमते रहता है, उसको आप टर्न ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको क्लॉक मिल जाता है और चाइल्ड लॉक फैसिलिटी भी मिल जाता है, एक आपको डाउन साइड मिल जाता है, एक आपको अप साइड मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सेंट्रल में मिल जाता है सेलेक्ट का ऑप्शन, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ऑटो कुक रेसिपी अगर आपको यूज़ करना है तो। और इसके नीचे में आपको स्टॉप करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद आपको प्लस 30 सेकंड इंक्रीज करने का यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, और यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पर स्टॉप करने का आपको बटन मिल जाता है। तो इसमें इस टाइप का फीचर्स आपको दिया गया है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, अब हम इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो मैं इसको अब ओपन करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ सबसे पहले मैं आपको इसका ऑटो कुक रेसिपी के बारे में बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है इंडियन स्लिम फ्राई, ये स्लिम फ्राई के अंदर में आता है, ये 1 2 3 4 ये स्लिम फ्राई के अंदर में आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें आपको इंडियन रेसिपी मिल जाता है, उसके बाद रोटी नान का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद कर्ड डो प्रूफ मिल जाता है, और पावर डिफ्रॉस्ट में आप देख सकते हैं ये सब चीज़ मिल जाता है जिसको आप पावर डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, मैं सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको लगा देते हैं ट्राईपॉड में। अब देखिए इसके अंदर का मैं आपको क्या क्या मिल जाता है इसके अंदर में एसेसरीज, वो भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका एसेसरीज, तो अभी हम एसेसरीज को रखते हैं साइड में, अभी हम बात करते हैं इसके अंदर का। तो आप देख सकते हैं अंदर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये सिरमिरिक कोटिंग है, ये जो दिखाई दे रहा होगा ये सिरमिरिक कोटिंग है, इस पर आपको कंपनी 10 इयर्स का वारंटी देता है ये सिरमिरिक कोटिंग के ऊपर। इसमें ना बैड स्मेल आएगा और ये इजी टू यूज़ है, इजी टू क्लीन है, इसलिए इस पर कंपनी आपको सिरमिरिक कोटिंग पे 10 इयर्स का वारंटी देता है, 1 साल का प्रोडक्ट वारंटी देता है और 4 साल का मैग्नेट्रॉन वारंटी मिल जाता है आपको सैमसंग के तरफ से। तो आपने ये सारा कुछ तो देख लिया होगा, मैं एक बार आपको अंदर से भी दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको फ़ैन मिल जाता है सेंटर में, और यहां पर आपको मैफ जाली वगैरह सारा कुछ दिया गया है, और यहां पे आपको टर्नेबल जो ग्लास है वो लगाया जाता है यहां पे। तो आपको कुछ इस प्रकार का ये मिल जाता है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब हम बात करते हैं इसके एसेसरीज के बारे में। तो मैं जो ये ओवन है इसको थोड़ा पीछे तरफ कर देता हूँ, उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके एसेसरीज़ के बारे में। तो एसेसरीज़ के बारे में आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहले तो आपको एक ग्लास मिल जाता है, जैसे कि आपने देखा है ये ग्लास टर्नेबल ग्लास, अब हम रख देते हैं इसको साइड में। उसके बाद आपको एक बुकलेट मिल जाता है जिसमें रेसिपी वगैरह सारा कुछ इसमें मिल जाता है, देख लिए, माइक्रोवेव ओवन इंस्ट्रक्शन एंड कुकिंग गाइडेंस सारा कुछ आपको इसमें मिल जाता है, कुकिंग गाइडेंस वगैरह सारा कुछ। तो इसको अब बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको एक रोलर मिल जाता है, आप देख सकते हैं ये रोलर माइक्रोवेव के अंदर में लगता है। उसके बाद आपको 2 ठोक आपको ग्रिल करने के लिए आपको मैफ जाली मिल जाता है, आप देख सकते हैं इस पर आप ग्रिलिंग कर सकते हैं, इसका आपको इसमें 2 टाइप का अलग अलग हाइट का आपको मिल जाता है ग्रिलिंग जाली। तो आप देख सकते हैं एक आपको कुछ इस प्रकार का छोटा सा मिलता है और एक बड़ा सा मिलता है बड़े हाइट के लिए, और छोटे हाइट के लिए आपको छोटा वाला मिल जाता है। उसके बाद आपको एक पैन मिल जाता है, आपको मैं पैन को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देखिए आपको कुछ इस प्रकार का आपको एक पैन मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है ये पैन, और बैक साइड में आपको रबरिंग का कोटिंग मिल जाता है ताकि इसका ग्रिप अच्छा से बन सके, ये हिले ना, इस कारण आपको ये भी दिया गया है।
तो आप देख सकते हैं आपको ये नॉन स्टिक आपको पैन भी मिल जाता है इस माइक्रोवेव के अंदर में। तो इतना सारा एसेसरीज आपको इसके अंदर में मिल जाता है। अब मैं आपको थोड़ा इसके बैक साइड का भी दिखा देता हूँ कि इसमें आपको वायरिंग वगैरह कैसे मिलता है और बैक साइड में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं बैक साइड से आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब हम इसका वायर को ओपन करके देखते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी और लेंस कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं वायर का क्वालिटी तो काफ़ी तगड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये 16 एम्पियर के सॉकेट पे लगता है, लेकिन एक शिकायत है, इसका जो वायर का लेंथ है काफ़ी छोटा है, काफ़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा छोटा है इसका वायर का लेंथ। अप्रॉक्स 1 मीटर का बस ये वायर का लेंथ इसमें आपको मिल जाता है। जनरली माइक्रोवेव में छोटा ही वायर आपको दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं वायर का जो लेंथ है काफ़ी छोटा है। तो बैक साइड से आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि मैंने इस माइक्रोवेव ओवन को कहां से और कितने प्राइस में परचेस किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो माइक्रोवेव ओवन है ये 28 लीटर का है और ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पर ही अवेलेबल मिलेगा। लेकिन मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया, ओपन बॉक्स डिलीवरी मेरे को इसमें ऑप्शन मिला तो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया और ये आपको अराउंड 10,500 के आसपास में ये आपको मिल जाएगा, 10,500 रुपये में, जिसमें से मैंने अपना 500 का जो पॉइंट्स है, जो मेरा क्वाइन है जो फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर में मिलता है उसको कटवाया, तो ये मेरे को 10,000 रुपीज़ में मिल गया। अगर आपको ये लेना होगा तो इसका बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। इसका यूज़र रेटिंग भी काफ़ी तगड़ा है, जो कस्टमर ने इस माइक्रोवेव ओवन को रेटिंग दिया है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त दिया है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बस यही था। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोज़ रोज़ाना लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।